नमस्कार सांग माने आपण माने भावुथिबे ए भिडियोटी बनेबार कारण कोन कारण मु त कमळी भिडियो बनाउथली त ए मोटिवेशन भिडियो को पुणी कोन पई बनेबार चेष्टा करली कारण ए भिडियोटी बनेबार कारण हे कि जे मु मनरे किछ गोटे कथा आसी त आपण संगे शेयर करबा त मु भावुची ए कथाटी आपणको शेयर कले आपणको मनको छुइबो एवं आपण मध्ये आपणको से हजि जायथिबा संपर्क को पुणी मने पकई बहुत खुशीरे रहिबाको चेष्टा करबे एटा मोर गोटे छोटो प्रयास एवं आपण माने ए कथाटी को शेष पर्यंत शुणिबे एवं आपण को बहुत भल लगे मु ग्यारंटी दौर चलो तो आरंभ करवा गोटे स्टोरी सांग माने सतरे दुनिया रे एमती दुईटी शब्द अच्छे जो शब्द आम जीवन बहुत बड़ मूल्यवान शब्द से हूँ गोटे बापा एवं गोटे माँ ए दुहीं बिना तो आम जीवन अंधार ए दुहीं बिना आशीर्वाद आम कि भी करें सतरे सांग माने आम मैंने आखि खोली था गोटे माँ कोलर एवं बढ़ी था बापार परिश्रम दुनिया रे मार प्रेम एवं बापार परिश्रम बिना आमे किछि भी करि परिबा नै आमर वयस बढ़िबा संगे संगे आमे से दुई मनुष्य को भूली जांती एवं बहुत पुराणा भावंती तो आसंतु आज गोटे कहानी विषय मु आपन को जणैबि से दुहिंक विषय रे जे आम जन्मकर्ता एवं जे आमर भगवान कोनोसी गोटे पिलाटी शहर को जाइछि एवं निजर चाकरी खोज बोली बहुत आड़े घूरी बुली भल कंपानी जा पहुँच जा भल गोटे मालिक सह तार देखा है तो से मालिक कि तू जदि ये कंपानी रे चाकरी करूँ तो ते इंटरव्यू दवा तो से मालिक जड़क तार इंटरव्यू नहीं तार भल प्रदर्शन देखी से पिलाटी भल पाठ पढ़ी योग्यता भल अच्छी से मालिक जड़क से पिलाटी को पचार कि तुम्हें जो ये सफलतार रहस्य कौन तुम्हें एत आगक आसीपारी क्या जो आसपार तो से पिलाटी कही कि ये सबूर चबिकाठी होती मो बापा कारण मो बापा मत जी खटिकी आनी देते पैसा मुझे पढ़ी मुझे पढ़ी एत बड़ी तो से मालिक जनक टी चिंतित पड़ जा पाटी को कही बाबा तो हाथ टी देखल ता हाथ टी देखी ता हाथ टी बहुत कोमल एवं बहुत नरम जमीक छोट बल से कौन सी कम कार्य सहयोग करना केवल पाठपढ़ ही से व्यस्त रही एवं यह शुणी से मालिक जनक से पिलाटी को कही कि गोटे मैनेजर रो पदवी खाली थिला मु तुमको दे पारि था किंतु मु दे पारु नहीं कारण यह कि तुम्हें जाओ काली आसिबो काली मु तुमको कामटी देबी एवं गोटे काम तुमको करिबा पड़िबो एही काम पाइबा को हेले मैनेजर पोस्ट कौन करिबा पड़िबो तुम्हें जा तुम बापांकर पाद एवं हाथ को धोइबो तो पाद हाथ धोइला परे काली आसी मते देखा कर मु तुमको मैनेजर पोस्ट पिलाटी चिंतित हो जाए अरे ये इथिरे कौन अच्छी मुझे सबुत भल मोर योग्यता भल थी पास भी हैली इंटरव्यू फेस तो एथिरे आउ कौन रहिला प्रॉब्लम कौन रहिला पिलाटी टिके चिंतित हो गला 50% खुशी एवं 50% दुखरे से घर को फेरिला कौन कथार अच्छी बापा पाद हाथ धोले मु जॉब पाइबी चिंतित हो पिलाटी घर को गला मन दुखर जाए घर पहुँचला बापा पचारे पुअरे आउ चाकरी जाइलु इंटरव्यू देलु कौन है पास हेलु तो पुओटी कहला हाँ बापा पास हेली किंतु आमर जे मालिक थिले तुम बापांकर पाद एवं हाथ को भलसे धोइबो एवं काली के आसिबो मु तुमको चाकरी दे बापा भी कथा सुनिकर आश्चर्य हो गले अरे ये की कथा हौ ठीक अच्छे एवं से पिलाटी तार बापा को कही बापा आज जदि मु तुम पाद हाथ न धोइबी ताहले मते से मालिक काम देबेनी कामटी भी भल काम मैनेजर तो आपणकर पाद हाथ मु धोइबा को चाहूँ तो बापा कहि हौ ठीक अच्छे तोर जदि पाद हाथ धोइबार इच्छा अच्छी तो धो एवं यहाँ पर से पिलाटी तार बापार हाथ एवं पाद धोबा को जाई जेतेबेले हाथ धोउची तो से देखा पाई कि बापा हाथ बहुत टाण एवं जगा जगा खंडिया मध्यों एवं से पिलाटी जेतेबेले तार बापार खंडिया हाथ टी धोउथिला से अनुभव कर पारुथिला तार बापार मुहरे बहुत कष्ट एवं जंत्रणा जो हाथ में पानी टिके लागला परे बहुत कष्ट होउची हेले सेई हाथ दिन मान बिलर खटिकी काम करुचे से खरारे पानी एवं ये सब केमी संभव हो पिलाटी यही कथा भाभी से बहुत मन दुख कर पिलाटी भावुची मो बापा एत कष्ट पानी कादु एवं खरा वर्षार खटी तो से कष्ट अर्जित पैसा मत एत बड़ कर पाठ पढ़ी मत एजुकेशन दे से जीवन में मत के से कष्ट कम एवं हार्डवर्क करने को देना तो से बोधे मो हाथ टी बहुत नरम अच्छे पिलाटर आखिर लुह धाराधार बो जा एवं बापा खाऊ अवस्था से खेत को जाई जी कम बाकी सब कम करपा अधा अधूरा कम को मध्य से पूरण करके आई से खेणक से बिल को कम करने को जा कारण से चाहिए कि बापा कष्टा केमी
ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ଅନୁଭବ କରିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏ କାମ କରିବା ଏବଂ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଅନୁଭବ କଲାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଧୋଇଧା ହେଇ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ଏବଂ ବାପା ତାର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରି ବାପ ପୁଅ ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ପୁଅଟି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ନିଜର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ମାଲିକ ତାକୁ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କାଲି ନିଜର ବାପାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲ ତ ପିଲାଟିର ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ବାଜି ଲୁହ ବୋହିଯାଇଛି ତ ମାଲିକ ଏହା ଦେଖି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ତାକୁ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଲିକ ଜଣକ ତାକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ବାପା ସେ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖରାତରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କାମ ଦେଇଥିଲି କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ତୁମେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ଏମିତି ଏକ ମ୍ୟାନେଜର ଚାହୁଁନି ଯେ ଦିନମାନ କାମ କରୁଥିବ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ କି ରଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସେ ନ ବୁଝିବ ତ ସେ କି ମ୍ୟାନେଜର ହେଇ ଲାଭ ମଣିଷ ସମୟ ସମୟ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତା ତଳ ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବାପା ମାଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଜୀବନ ନିଜର ବାପା ମାଆ ନିଜର ପେଟରୁ କାଟି ଏବଂ ନିଜର କନାରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଟି ଯାହାକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଆମେ ଶୁଝିପାରିବାନି ଜୀବନରେ ତ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଏବଂ ପିତାମାତା ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପିତାମାତା ଯଦି ଖୁସି ନ ହେବେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ିଛେ ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ତ ତାଙ୍କୁ 100 ପ୍ରଣାମ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।